आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। सबको लगता है बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ इजी वे में किस तरीके से बनाते हैं। चिकन लेके उसे वॉश कर लीजिए, साइड में रख लो। फिर लेना है प्याज, उसे बारीक लंबा कटिंग कर लो, क्योंकि उसे आपको डीप फ्राई करना है। इस तरीके से आप अलग अलग कर दोगे ना, तो डीप फ्राई करने में भी ईजी रहेगा। तेल में डालकर उसे अच्छे से आप सेक लीजिए। जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक सेक लीजिए। मैंने लिए यहाँ पे 2 टमाटर, उसके साथ मैंने धनिया, मिर्ची और पुदीना भी लिया है। इन सबको मैंने अच्छे से कटिंग किया है, क्योंकि इससे बनेगा मसाला ग्रेवी। जो बिरयानी में मसाला बनेगा ना, वो इसी से बनेगा। अब बारी आती है मैरिनेशन के प्रोसेस की। चिकन में मैंने अच्छे से डीप फ्राइड ऑनियंस, चॉप्ड ऑनियंस इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा मसाला मिलेगा। फिर थोड़ा मिर्ची, धनिया, पुदीना और टमाटर, ये सब मैंने डाला है, क्योंकि ये जब मैरिनेशन में रहता है ना, तो इसका पूरा फ्लेवर आपको मसाले में मिलता है। फिर करी पत्ता ऑप्शनल है डालना है तो, नींबू थोड़े खट्टेपन के लिए, नमक लेना है स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी लिया है मैंने, थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, कोई भी ले सकते हो आप, 1 तेज पत्ता लिया है और थोड़ा घाट आने के लिए 1 लौंग लिया है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट दही, इसे तो आपको भूलना ही नहीं है। फिर जिसमें ऑनियंस फ्राई किए थे उसका 1 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है, इसको मैरिनेट करना है, उसको साइड में एटलीस्ट आपको 1 से 2 आवर्स तो एटलीस्ट रखना है। लास्ट में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के साइड में रख दिया है। अब मैरिनेट हुए चिकन को पकाने की बारी आ गई है। मैंने तेल में ज़ीरा डाला है, उसके बाद मैरिनेट हुए चिकन को डालकर उसको इतना पकाना है, 60-70% जितना तो पकाना है, क्योंकि बाकी का ये काम दम में करेगा, इसलिए आपको इसे अच्छे से भूनना है। जब तक चिकन पकता तब तक चावल के लिए हम प्रिपरेशन शुरू करते। पानी में तेल डाला है, ज़ीरा, लौंग और इलायची डाला है फ्लेवर के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा पानी गर्म हो जाए, उसमें आपको भिगे हुए चावल डालने हैं। इसको 70-80% पकाना है, सेम चिकन की तरह, क्योंकि ये भी बाकी का दम में ही पकेगा। इसे अच्छे से छान लीजिए इस तरीके से। अब हम करेंगे लेयरिंग बिरयानी की। मैंने इसमें बेस इस्तेमाल किया है घी का, क्योंकि घी जब दम में चिकन और चावल से मिलता है ना, इसका अरोमा निखर के आता है। इसलिए चिकन को अच्छे से इस तरीके से फैला दीजिए, फिर उसके ऊपर चावल के लेयरिंग कर लो। चावल को इस तरीके से जमा लीजिए कि चिकन ढक जाए। चावल जमाने के बाद आप इसे डीप फ्राइड ऑनियन से गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर और गरम मसाले का भी छिड़काव किया है, जिससे क्या है इसकी लज्जत बनी रहती है। और लास्ट में 2 टेबलस्पून जितना घी डाल लीजिए। फिर उसे आप सिल्वर फॉइल से ढक लो, या तो गूंदे हुए आटे से पैक कर लो। मैंने सिल्वर फॉइल से ढका है। फिर इस पर आप दम लगाइए। अब दम की प्रिपरेशन शुरू होती है। एक पैन लेके उसे 5 मिनट प्री हीट कर लीजिए। फिर जो बिरयानी पैक की हुई थी उसे आप इस पर रख दीजिए और ढक लो। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं दम लगाना। 10 से 15 मिनट आप रख लो और दम लग जाएगा इस पर। फूड कलर, ज़ाफ़रानी दूध या केवड़े का फूल, ये सब ऑप्शनल है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। देखो ये बनके रेडी हो गई है अपनी चिकन दम बिरयानी, बहुत ही लज्जतदार दिख रही है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करके बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी।